देश की राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस की सबसे बुरी लहर से जूझ रही है। आंकड़े भी इसी तरफ इशारा करते हैं। रविवार को रिकॉर्ड 7,745 नए मामले दर्ज किए गए, वह भी सिर्फ 50,754 टेस्ट में। यानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 15.2% हो गया है। दिल्ली में नवंबर के महीने में कोविड-19 के मामलों में खासा उछाल देखा गया। बाकी देश में कोरोना का प्रकोप घट रहा है, लेकिन वहां भी पिछले हफ्ते केसेस में थोड़ा उछाल आया है। इस दौरान करीब 3,500 ताजा मामले दर्ज किए गए, जो कि उससे पहले वाले हफ्ते के मुकाबले करीब 6,000 केस ज्यादा है। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना की स्थिति पर एक नजर डालें तो दिल्ली में पिछले 3 दिन के भीतर नए केसेस ने दूसरी बार 7,000 का आंकड़ा पार किया है। इस दौरान 77 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली का ऑल ओवर पॉजिटिविटी रेट 8.6% है, जबकि फर्टिलिटी रेट 1.6% है। यहां करीब 42,000 मामले एक्टिव हैं। दिल्ली में 3 नवंबर को पहली बार नए कोरोना केसेस ने 6,000 का आंकड़ा पार किया था। 8 नवंबर तक दिल्ली में कोरोना वायरस के 51,823 मामले सामने आ चुके हैं, यानी औसत 6,477 मामले हर दिन आ रहे हैं। इस दिन 8 दिनों में 478 लोगों की मौत भी दर्ज की गई।